भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दोहरे मापदंड क्यों हैं हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूँ एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई। मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? अरे बोले सुखी तो हूँ महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोले जो बहू आई है ना, तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी, जब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है। बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मामा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले ऐसे कंवर साहब मिले हैं, ऐसे कंवर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही करता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड। बहू को कहती है किस्सों के समय पे नहीं उठती, वो दामाद से कहती दामाद हीरा है, बेटी की जुबान पे बात नहीं आती, और कमर साहब पूरा कर दिया करते, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं। तर गई महाराज बेटियों की तरफ से तो मैं, ध्यान रखना तू तर नहीं गई, तू मर गई, ध्यान रखना। विचार ये स्थिति हमारे घरों की, बहू के लिए उसी चीज पर पाबंदी और बेटी के लिए उसी चीज की शिक्षा, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा, मैं ससुर से और सासुओं से निवेदन कर रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। एक जानते हो, एक महिला मंदिर आई, अम्मा जी रास्ते में मिली, नमोस्तु महाराज, प्रणाम प्रणाम। उनका अम्मा जी बड़ी खुश दिख रही है, बोले बहुत खुश हूं महाराज। मैं इनका क्यों? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुखी हैं? सुखी तो क्यों नहीं रहेंगी, जब मैंने उनकी शादी की थी ना। तो महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मेरा भी दिमाग ऐसा चला, मैंने कहा अपनी लड़कियों की शादी वहां करूंगी जिस घर में सास नहीं है, और सास नहीं है तो हुकूमत अपने हाथ में। इतनी मैंने कहा चारों मिल गए, ऐसे तुम्हारे चारों मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से सांस नहीं है उस घर में। इतना राज करती है हमारी बेटियां, जो कहो वो होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी और कोई कमी जिंदगी में? बोले एक कमी है। मैंने कहा क्या? बोले जो हमारा लड़का है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले 35 साल का हो गया महाराज। तो मैंने कहा हो गई भाई? अरे बोले ऐसा नहीं, अभी तक कुंवारा बैठा है, शादी नहीं हो रही उसकी, बस एक तकलीफ है। मैंने कहा अम्मा जी लड़की देखने वाले नहीं आते क्या? बोले बहुत आते हैं, रिश्ते तो इतने आ रहे, लाइन लगी है, जो आता है लड़के को देखता है, घर जाता है, कहता जवाब देंगे, आज तक जवाब ही लौट के नहीं आता है, हम इंतजार ही करते, कुंडली भी मिल जाती है लेकिन शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अम्मा जी नहीं होगी। बोले क्यों, कोई शनि की दशा लगी है क्या? मैंने कहा दशा नहीं लगी, दशा बैठी है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा तूने तीनों बेटियों के लिए संकल्प लिया था ना कि जिस घर में सास ना हो वहां दूंगी, तो और बेटी वाले भी तो हैं। मैंने कहा जब तक तू रहेगी लड़का कुंवारा रहेगा, ध्यान रखना, और जिस दिन तू दुनिया से चली जाएगी उस दिन लड़के के फेरे लग जाएंगे। दोहरी नीतियां मत चलो मेरे भाई, ध्यान रखना, दोहरे मापदंड मत रखिए। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 दिन को आती है, VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बहू 24 घंटे साथ रहती है, दोयम दर्जा मिला करता है। क्या बात है कि एक सास 10-10 साल की हो गई बहू, शादी हुए
आज भी उसे बहू ही समझती है, ध्यान रखना। आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाई, आज तक उसे बहू का ही दर्जा दिया जाता है, आज तक वो पराया जीवन ही जीती है। मान्यवर, आपके घर में नहीं है, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं अच्छा घर हो, लेकिन कहानी उन घरों की है जहां बहुएं प्रताड़ित की जाती हैं, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहू ही सास को प्रताड़ित करती हो, सास भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये भी बहुओं को बहुत उलाहने दिया करती है। मान्यवर, बहुएं ताली तो बजा दो, आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी? बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार कर, बहुत परेशान होती है आज बहुओं की स्थिति, वह है घरों में। उस बहू ने कहा, महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना, रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना, बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है, बेटी तो चार दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है, ध्यान रखना। किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है? कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी, ध्यान रखना। कमर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे, मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटे की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहु मंगल है, बहु शुभ है, बहु लक्ष्मी का रूप है, बहु सरस्वती का रूप है। जब वह बहु घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहु सरस्वती का रूप हो जाया करती है, ध्यान रखिए। और यही बहु लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है, ध्यान रखिए। बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी, ध्यान रखना। नानी में तो नाना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मान जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं।
वो तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान,